हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है रुपीस 3000 करोड़ फेल्ड स्काईस्केपर इन मुंबई। और उसके बाद लिखा है, ये मुझे पक्का नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर लिखा है ऐसे लग रहा है पैलेस रॉयल। तो देखते हैं कौन सा स्काईस्केपर जो फेल्ड होगा, 3000 करोड़ का बना हुआ है। तो वीडियो देखते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पर शुरू होने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और कुछ टेक्निकल चीजें भी इसमें हो सकती है, लेकिन अगर आप इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो और स्काई स्क्रेपर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। आपके लिए ये वीडियो काफी आंखें खोलने वाली हो सकती है। और कैसे लालच या दुश्मनी करोड़पतियों को भी रोड पर ला सकता है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से एक बिल्डिंग जिसमें 160 बड़े अच्छे घर हो और पूरे देश के कुछ सबसे महंगे और हाई डिमांड इलाके में अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसे बनने में कितना समय लगना चाहिए? 3 साल, 4 साल या 5 साल? लेकिन 11 साल बाद भी मुंबई के वर्ली नाका इस इलाके में एक बिल्डिंग है जो आज तक पूरी तरीके से बन नहीं पाई, जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आज भी है। द 42, इंपीरियल हाइट्स, लोधा, वर्ल्ड वन, ये सारी बिल्डिंग्स जो है हाइट में आज भी इस बिल्डिंग से कम है। लेकिन इस बिल्डिंग का काम रुका होने के कारण ज्यादातर लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम नहीं लिखा जाता। 320 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल, अगर आप मुंबई की कोई भी स्काईलाइन की वीडियो देखोगे तो इसमें अलग से नजर आती है इसके विशालता के कारण। दुनिया का सबसे बड़ा एट्रियम, पूरी इंडिया की अकेली बिल्डिंग जो सुपर टॉल कैटेगरी में आती है, वो है पैलेसेस रॉयल। लेकिन इस बिल्डिंग का काम क्यों रुक गया और ऐसी क्या बात हो गई कि इस बिल्डिंग के जो मालिक थे वो ऑलमोस्ट रोड पर आ गए? तो कहानी शुरू होती है साउथ मुंबई के वर्ली एरिया में, जहां पर एक जमाने में कपड़े के बड़े बड़े मिल्स हुआ करते थे और आज इन मिल्स की जगहों पर बड़े मॉल्स, ऊंची बिल्डिंगें, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेस वगैरह बन चुके हैं। और इनमें से एक थी श्रीराम मिल्स। अगर आपने कपड़े के ब्रांड रीड एंड टेलर के बारे में सुना है तो श्रीराम मिल्स जो है उनकी ओनर थी। 2004 में 105 करोड़ रुपए की कीमत पर कल्पतरु बिल्डर्स को श्रीराम मिल्स के ओनर्स ने 5 एकड़ की एक जमीन बेचने की डील साइन की और कल्पतरु ने जो है इसकी पहली पेमेंट जो 30 करोड़ रुपए की थी वो श्रीराम मिल्स को दे दी। लेकिन इसके बाद में श्रीराम मिल्स के ओनर्स ने यह कहते हुए डील को खारिज कर दिया कि कल्पतरु बिल्डर्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है पूरी 105 करोड़ रुपए की कीमत चुका पाएंगे, और इसकी वजह से जो है वो डील कैंसिल कर दी। जबकि कल्पतरु का आरोप ये था कि श्रीराम मिल्स के ओनर जो है उन्हें किसी और रियल एस्टेट डेवलपर से ज्यादा बड़ी ऑफर मिली है या ज्यादा ऑफर मिलने के उन्हें फ्यूचर में चांसेस नजर आ रहे हैं, इसलिए वो जो है डील कैंसिल कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। और ये जो मामला है वो कोर्ट में चला गया और अगले कई सालों तक ये केस चला और इसमें कल्पतरु की जीत हुई। और ये केस जो है हमारे मेन केस से आप जरा साइड में रखिए, ये केस जो है वो लास्ट में पूरी लिंक जोड़ेगा। अब इस केस से अलग, श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2008 में पैलेसेस रॉयल का कंस्ट्रक्शन अपनी ही मिल की जगह पर शुरू किया और देखते ही देखते साल 2012 तक ये बिल्डिंग अपनी पूरी हाइट तक पहुंच गई। इस बिल्डिंग में इंडिया के पहले कुछ सर्टिफिकेशन जैसे लीड ग्रीन सर्टिफिकेशन, इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा एट्रियम यानी सबसे ऊंची रूफ आप कह सकते हो इस बिल्डिंग में थी। अपनी पूरी हाइट तक पहुंचने के बाद में इस बिल्डिंग की मुश्किलें तब शुरू हुई जब एक एनजीओ जनहित मंच ने पैलेसेस रॉयल के ओनर के खिलाफ एक कंप्लेंट की और कोर्ट में पैलेसेस रॉयल ने एफएसआई के नियमों का उल्लंघन किया है और रेफ्यूज एरिया, रिजर्व एरिया और पार्किंग एरिया को भी सेलेबल बताते हुए कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये उन्होंने आरोप लगाया बीएमसी के सामने। और इस समय तक पैलेसेस रॉयल में 1200 करोड़ रुपए के घर जो है वो बिक चुके थे और इन घरों की कीमत 25 से 50 करोड़ के बीच में थी। इस केस के कारण कोर्ट ने पैलेसेस रॉयल के काम पर रोक लगा दिया और सारे जो फ्लैट बायर्स थे उनका पैसा जो है इसमें रुक गया। 2016 में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एनजीओ जनहित मंच ने जो भी आरोप पैलेसेस रॉयल के ओनर्स पर लगाए थे वो सही नहीं थे और रेफ्यूजी एरिया जो है इसका कोई इलीगली यूज नहीं किया गया है।
लेकिन बिल्डिंग के पास ही बने एक 15 मंजिला पार्किंग को उन्होंने कहीं ना कहीं इलीगल हो सकता है कि दावा किया और बीएमसी को इसका आगे जो है हैंडलिंग करने के लिए कहा। और बीएमसी ने जो है पैलेसेस रॉयल के ओनर को पार्किंग की बिल्डिंग के बदले जो पैलेसेस रॉयल की ऊपरी 15 फ्लोर है उसे हटाने के लिए कहा और साथ साथ जो भी फ्लैट बायर्स है उन्हें अपने FSI के हिसाब से एरिया जो है वो एज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा। मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया। अब इस समय फ्लैट बायर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए वो रेरा पहुंचे जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और नियमों के हिसाब से रेरा ने बिल्डर्स को सारे फ्लैट ओनर्स को 10.5% इंटरेस्ट के हिसाब से सारे पैसे जो है वो लौटाने के लिए कहा है। 2019 में जाकर सारा मामला जो है वो सेटल हुआ और पैलेसेस रॉयल की एक बहुत बड़ी जीत हुई क्योंकि अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकती थी और बहुत सारे आरोप जो उन पर लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे। लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट का दिवाला निकल चुका था कि फ्लैट बायर्स जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, नए सेल्स हो नहीं रहे थे और ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इसके साथ एक और बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि डेवलपर्स का फैमिली ब्रांड रीड एंड टेलर जो एक समय पर अमिताभ बच्चन जी को अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाते थे वो भी अब डूब चुका था और 2019 में लिक्विडेट करने को कह दिया गया। यानी जो भी रीडन टेलर की प्रॉपर्टीज होगी, जो भी उनके पास में अभी एसेट्स होंगे वो बेच देने के लिए कहा गया था। इस वक्त इंडिया बुल्स जिसने इस प्रोजेक्ट को लोन दिया था वो भी अपने पैसे रिकवर करना चाहती थी और जिसकी अमाउंट टोटल 915 करोड़ रुपये थी। तब श्रीराम मिल्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 915 करोड़ रुपए बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी और आखिर कलेक्टर के परमिशन के अंडर साल 2019 में पैलेसेस रॉयल का ऑक्शन कर दिया जाएगा, इसकी नीलामी कर दी जाएगी ऐसा घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बिल्डिंग के केसेस के चलते और इसकी हिस्ट्री को चलते हुए कोई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ऑक्शन जो है जून 2019 में फेल हो गया। देश के सबसे महंगे और इन डिमांड इलाकों में से एक ये बिल्डिंग थी और इस इलाके में भी ये एक सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन फिर भी इसका ये हाल हो गया। आखिर इंडिया बुल्स ने नवंबर में फिर से ऑक्शन कर 705 करोड़ रुपए में ये बिल्डिंग बेची और हॉनेस्ट शेल्टर्स ग्रुप इसने इस पैलेसेस रॉयल बिल्डिंग को खरीद लिया और आखिर 6 साल बाद जो है इस बिल्डिंग्स में लाइट्स फिर से शुरू हुई। अभी भी ऊपर के फ्लोर्स को लेकर कुछ इश्यूज जारी है लेकिन हॉनेस्ट शेल्टर्स के पास फ्लैट्स बेचने का और कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन है। तो आखिर एंड में पैलेसेस रॉयल की जीत तो हुई, पैलेसेस रॉयल की जीत हुई और NGOs गलत नहीं गए, लेकिन केस शुरू ही क्यों किया गया? पैलेस रॉयल की पेरेंट कंपनी ने सालों से ये आरोप लगाया है और इंटरव्यूज में भी ये सामने सामने कहा है कि जनहित मंच जो मेन NGO था इस केस के पीछे ये सारे प्रॉक्सी NGOs हैं और इन्हें कल्पतरु से फंडिंग मिलती है और साथ साथ BMC के भी कुछ ऑफिसर जुड़े हुए हैं और ये सब क्यों? लेकिन और यहाँ हम हमारे पहले केस की ओर चलते हैं जहाँ कल्पतरु ने श्रीराम मिल्स की जमीन खरीदने की कोशिश की थी और इनके बीच में जमीन किसे खरीदनी मिलेगी इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी और इसी के कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कल्पतरु ने प्रॉक्सी NGOs को यूज करके इस बिल्डिंग का काम रोक रखा था। तो एक बात हमें ये समझ में तो जरूर आ गई कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है और इसके अलावा अब तक जो मैंने कहा वो कहीं ना कहीं मैंने न्यूज सोर्सेस या कुछ और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस के थ्रू आपको बताया, लेकिन इसके आगे एक और इन्फॉर्मेशन ये मुझे मिली है कि ऑनेस्ट सेल्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं मित्तल ग्रुप की एक शेल कंपनी है और अगर मित्तल ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी इस बिल्डिंग को खरीदती है तो शायद से इस बिल्डिंग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि ऑनेस्ट सेल्टर्स मित्तल ग्रुप की कंपनी है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें लोधा वर्ल्ड वाइन जैसे बिल्डिंग्स पर भी मैंने केस स्टडी बनाई थी और मुंबई में कई सारे स्काईस्क्रैपर्स का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इन्हें बिल्डिंग्स को रोक देती है, ये क्यों होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो वीडियो अब मैंने प्राइवेट कर दिया। ये वीडियो कुछ दिनों बाद मैं फिर से एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अगर आज ये बिल्डिंग 2016 में ही पूरी हो जाती तो हो सकता है कि मुंबई और बाकी शहरों के लिए ये एक लैंडमार्क बिल्डिंग होती और इसके जैसे और कई सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है आज हमें मुंबई में और दूसरे शहरों में नजर आते थे, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट के इतने ब्रूटल होने के कारण ये बिल्डिंग काइंड ऑफ स्काई स्क्रेपर्स के नाम पर एक धब्बा बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही कमाल का था,
जिसमें उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें इतना खर्चा हो के वो बन भी गई ऑलमोस्ट, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी और मिड वे के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी और उसको रोक दिया, और कितने सालों तक पहले केसेस चले, फिर क्लियर हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम, मतलब कि कुछ ना कुछ चलने की वजह से काम नहीं बन पाया उस बिल्डिंग में। और सोचो जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और बनाया, कितना उनके ऊपर मतलब प्रेशर होगा, कितना वो मतलब टेंशन में रहे होंगे। और बताया कि कितनी, और एक एक मत कह रहे हैं कि जो लेने का जो घर थे उसमें कोई 20 या 25 करोड़ करोड़ के घर थे, तो मैं सोचो कितना महंगा थे, और लोगों ने खरीद भी लिए थे तो वो भी टेंशन में थे, फिर उन्होंने केस किया, फिर उनको वापस पैसा देना है विद इंटरेस्ट, बाप रे। तो वही वो कह रहे हैं कि रियल्टर जो है जमीन जमून का काम करना कितना ब्रूटल हो सकता है इंडिया में, और ये कि भैया इतनी बनने के बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि जब शुरू पहले यस हो जाता है तो उसके बाद में प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। कोई एकदम से तो बिल्डिंग शुरू नहीं करता, पहले सारे ऑथराइज्ड चैनल्स के थ्रू जाके यस करा के अप्रूव करवा के फिर ही बिल्डिंग शुरू होती है, तो बीच में प्रॉब्लम है कैसे शुरू हो गई, फिर पता चले कि भाई वो तो बेकार थी नहीं थी, तो ये सब मतलब सिस्टम कितना खराब है देख के बड़ा शॉक लग रहा है। तो अब पता नहीं अब इवेंचुअली क्या हुआ है इस बिल्डिंग का, क्या हुआ है तो वो आप बताना, या अगर हस्बैंड को पता है तो हस्बैंड बता दे। राइट, नहीं मुझे नहीं, मगर इन्होंने मेरे ख्याल से कवर किया था कि किसी ने अल्टीमेटली खरीद ली है 720 करोड़ या जो भी है उसकी खरीद ली है, तो अब क्या बन चुकी है, अब उनको परमिट मिल गए हैं फ्लैट्स बेचने के बनाने के, ऊपर वाले फ्लोर्स में कुछ प्रॉब्लम, 15 फ्लोरों में कह रहे थे, मगर अल्टीमेटली दे कैन स्टार्ट सेलिंग, और स्टेयर सेल करेंगे तो लोगों का पैसा वापस आने लग जाएगा, और बोल रहे हैं कि हो सकता है मित्तल ग्रुप को मिल जाएगी, तो अगर उसको मिल जाए या अगर उसकी ओनरशिप है तो इसमें लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें पॉइंट यही होता है डेफिनेटली कि लोग एडवांटेज उठा रहे हैं लीगल सिस्टम का जो स्लो है, तो जैसे जो जिन्होंने सही तरीके से खरीदी थी, जो अपनी बिल्डिंग बना रहे थे, क्योंकि लड़ाई हुई थी लैंड के लिए, क्योंकि सबसे पहले किसी को लैंड जीतनी पड़ेगी तभी बिल्डिंग बना सकता है, तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने लैंड जीती है तो लड़ाई हो गई थी, और उससे जिससे लड़ाई हुई थी अब वो बदला लेने को रेडी था, ठीक है, तो जब ये बिल्डिंग बना रहे हैं तो अपने प्रॉक्सी जो एनजीओ जिनको पैसा देते हैं उनको कोर्ट केस करवा दिया। अब ये चाल होती है कि कोर्ट केस के बाद कोर्ट केस कराते जाओ, जिससे लंबा होता जाए, और वो लोग बंदे जो हैं उनको पैसा मिल नहीं रहा, उनका पैसा लगा हुआ है, उनके पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो और उनको कहीं ना कहीं से तो लोन जनरेट होता है, तो अल्टीमेटली किसी को तो प्रॉब्लम आएगी और बंदा बैंकक्रप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही इन्होंने पूरी कोशिश की है डिले करने की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और ये होता कि अगर आप कोर्ट केस करते हैं ऐसे मेजर बिल्डिंग का, तो ये होता कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, हम आपको 2 महीने के अंदर बता देंगे क्या होता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर वो करता तो 2 महीने में ये जीत जाते, फिर ये काउंटर सू कर सकते हैं तो डैमेजेस के लिए, जैसे यूएस में होता है, यूएस में जो होता है कोई भी जो भला इंसान है अगर मान लीजिए कोई उस पर सू करता है तो कोर्ट में जल्दी से 1-2 साल में आंसर आ जाएगा, और फिर वो काउंटर सू करेगा उसे कि सारे डैमेजेस दो, जो मेरी जो पैसा लगा है ये लड़ने का, जो मेरे को इमोशनल डैमेज हुआ है, प्यूरिटिव डैमेजेस है, सारे डैमेजेस के लिए वो सू कर सकते हैं, दूसरे को घेर सकते हैं। तो वही है, वो तभी होता है अगर प्रोसेस फास्ट है, अगर आपने कोर्ट में डाला, कोर्ट जो है इस केस में क्योंकि बड़ी बिल्डिंग थी 2-4 महीने में आंसर दे सकता था, और अगर कर देता तो सारे पर्पज डिफीट हो जाते कि हम कोर्ट में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 10-10 साल 11 साल अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उनकी ये चाल थी, तो इसीलिए डिफिकल्ट है। और मेरे ख्याल से जो अमीर लोग हैं, राइट, जो बना रहे बिल्डिंग, छोटा मोटा आदमी तो बिल्डिंग एक फ्लैट में नहीं खरीद सकता है, हम बात करें जो बिल्डिंग बना रहे, इतनी बड़ी कॉरपोरेशन जो है उसको गवर्नमेंट को फंड करना, अपनी फंडिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट ने कि लीगल सिस्टम बेटर हो, क्योंकि वो कैपिटलिज्म का यही रूल है। यूएसए में जो है जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट सिस्टम ठीक किए, गवर्नमेंट को मोटिवेट करके कि कोर्ट को सिस्टम करो जिससे अगर कोई लीगल फाइट होती है तो जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनके बेनिफिट में है। तो वही है, वहां पे जो बहुत अमीर लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा कोर्ट सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि अभी जो डूबे हैं वो क्यों डूबे, क्योंकि 11 साल लग गए कोर्ट में। अगर इसका टाइम कट कर देते 1 या 2 साल तो कितनी आसानी से बाहर निकल पाते, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लॉबिंग। तो अब लॉबी करते हैं
जो भी आपका कंस्टिट्यूंट खड़ा हो रहा है, जो भी पावर में जा रहा है, उसको लॉबी करते हैं, मैं इतना पैसा दूंगा मगर मेरे को अपना जो जुडिशियल सिस्टम है वो ठीक करके दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत चेंजेस वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म में ऐसे ही चेंज आते हैं जो बिजनेसमैन देख रहा होता है कि किस तरीके से बिजनेसमैन जो है पैसा ज़्यादा कमा पाए या एफिशिएंट हो सके, अपनी कंट्री को आगे लेके जा सके। अगर बिल्डिंगें बहुत सारी बन जाती हैं, जल्दी लोग प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, तो आपके देश का भला हो रहा है ना, अल्टीमेटली जीडीपी आपका बढ़ रहा है, आपका देश जो है डाउनटाउन ज़बरदस्त लग रहे हैं। कल को लोग बोलेंगे कि ये जो है बीजिंग क्या बड़ी बात है, मुंबई में देखिए ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, हांगकांग की बात क्या, यहाँ पे देखिए इतनी बिल्डिंग्स हैं। तो आपने अपने देश को ज़बरदस्त कर लिया, दुनिया भर की जनता आएगी आपको देश को देखने के लिए, राइट। और तब हो सकता है जब आप जो है अपने सिस्टम अपने देश का ठीक करें। तो ये अमीर लोग ही अल्टीमेटली प्रेशर डाल के ठीक कर सकते हैं सिस्टम, जिससे बिजनेस में प्रॉब्लम ना आए। तो होप कर रहे हैं कि बिल्डिंग अब सब प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई हो और रेडी हो। आप बताना अगर आप मुंबई में हो कि क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।